आलिया हमजा भी वहाँ पे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया कि आपने बाहर नहीं आना, जहाँ मरी में भी खवातीन का इफ्तार कर रही हैं, ताकि आमना सामना ना हो, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ऐसी ना बातों पे कान नहीं धरने चाहिए। एक चीज़ जो आपकी पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद शुरू हुई, वो मरियम इकराम वाला जो रिजर्व सीट वाला मामला था, वो कहाँ से आई, कैसे आई, फिर अभी विदड्रॉ हो गया है, उसका स्टेटस क्या है? पार्टी के अंदर से कुछ कैंप्स ने तनकीद करना शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, ना मुझे पता है मरियम इकराम कौन है, आपसे ही सुन रही हूँ पहली दफा। अब तो जो है वो ट्विटर को एक्स को खोल दें, 20-25 दिन हो गए हैं, एक माह वो बंद है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं है, अब तो उसको ईजी कर देंगे, अब चले निज़ाम। बजट पास करवाने जा रहे हैं, मरीम लीबी एक्टिव तो बहुत हैं, क्या प्लान क्या है 6 माह का या 3 माह का, क्या प्लान डिस्कस हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने देखा है बिल्कुल सही आपने कमेंट किया कि मरीम भी बहुत एक्टिव हैं। मैंने एक्चुअली हमने इससे पहले मोहसिन नकवी को और शहबाज शरीफ साहब को काम करते हुए देखा था, लेकिन मैडम मरियम ने जो एग्ज़ाम्पल सेट की है, जिस तरह रमज़ान में स्पेशली कल वो कोट लखपत जेल गई हुई थी, अफ्तारी उन्होंने लोगों के साथ की, इससे अलावा उन्होंने रमज़ान मॉडल बाज़ार बनाया जिसपे मेक श्योर किया कि प्राइसेस कम हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बजट जो इस वक्त आ रहा है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है कि लास्ट 4.5 ईयर्स में जो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने ना पंजाब में कोई काम किया, ना डेवलपमेंट में कोई काम किया। इससे पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार था, जिसको वसीम अकलम प्लस कहा जाता था, और वो उसे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स का काम नहीं किया। तो इस बिल में स्पेशली मेक श्योर करेंगे कि पंजाब की जो डेवलपमेंट है, और ये एक और बात, जो डेवलपमेंट है इंशाल्लाह और जो फंड्स होंगे वो अक्रॉस बोर्ड सब MPS के लिए भी होंगे, ताकि वो जिस जैसे मरियम नवाज़ साहिबा ने पहले दिन ये कहा था कि मैं वज़ीर आला हूँ, इस हाउस की वज़ीर आला हूँ, मैं अपोजिशन की भी उतनी वज़ीर आला हूँ जितनी ट्रेजरी बेंचेस की। अभी आपने बात की अक्रॉस द बोर्ड की, अभी कल जब कोट लखपत गई थी मरियम बीबी, तो फिर वो कई रिपोर्ट होता रहा कि आलिया हमजा भी वहाँ पे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया कि आपने बाहर नहीं आना, जहाँ मरियम बीबी खवातीन का इफ्तार कर रही हैं, ताकि आमना सामना ना हो, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ऐसी ना बातों पर कान नहीं धरने चाहिए। आलिया हमजा वाली न्यूज़ बिल्कुल गलत है, वो हमारे लिए वो भी उतनी ही ओपन है, आए प्लीज़। एक चीज़ जो आपकी पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद शुरू हुई, वो मरियम इकराम वाला जो रिजर्व सीट वाला मामला था, वो कहाँ से आई, कैसे आई, फिर अभी विड्रॉ हो गया है, उसका स्टेटस क्या है? पार्टी के अंदर से कुछ कैंप्स ने तनकीद करना शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, ना मुझे पता है मरियम इकराम कौन है, आपसे ही सुन रही हूँ पहली दफा। सोशल मीडिया पर नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं मुझे नो आइडिया। चाहिए था भाई, एक चीज़ ये बता दें, अब तो गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट अभी चल भी रही है, अब बजट भी आप लेके आ रहे हैं, फिर जून में आप अगले साल का बजट लेके आएंगे, अब तो जो है वो ट्विटर को एक्स को खोल दें, 20-25 दिन हो गए हैं, एक माह वो बंद है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं है, अब तो उसको ईजी कर देंगे, अब चले निज़ाम। देखें मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली मुल्क के अंदर थोड़े से इश्यूज़ हैं, कोई जैसे अभी शुमाली वज़ीरिस्तान में भी हमला हुआ, तो आई थिंक ये सिक्योरिटी और मिनिस्ट्रीज़ को डिसाइड करने दें। मैं मेरा अभी चल जाता है कभी, लेकिन हालात है जो हमारे हैं। नहीं, लेकिन चल जाता है, मेरा तो नहीं चल रहा है, देखें मेरा चल रहा है, अगर अभी देख लें आपका चल रहा है, मेरा तो चल रहा है, मैं दिखाता हूं अगर कैमरा में दिखा सके जी, अगर आपने फोन तो सिग्नल्स नहीं होंगे इसलिए नहीं चल रहा, यहां पे मेरे मैसेजेस आ रहे हैं अभी। अच्छा, ये डिस्कशन हमारी ऑनलाइन टीवी के लिए नहीं होनी चाहिए, आप अपना फोन खोलें या ना खोलें, मेरा चल रहा है, डजंट मैटर, मेरा चल रहा है।